जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपने 15वें राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है। भारत के 15वें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। श्री द्रौपदी मुर्मू जी आजाद भारत में जन भी पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है तथा एक ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका संबंध एक ट्राइबल ग्रुप से रहने वाला है। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनने का यह सफर काफी कठिनाइयों भरा रहा है। उनके जीवन में काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई है। इतनी बड़ी चुनौती आई है कि इसमें अगर एक आम इंसान रहता तो अपनी हिम्मत हार जाता, फिर भी वो हिम्मत ना हारते हुए ढांढस बांधते हुए आज इस मुकाम पे आ पहुंची है कि भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आज वो विराजमान होने जा रही है। उनका यह सफर हम करोड़ों भारतीयों के लिए काफी प्रेरणादायक होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में हम उनके एक छोटे से गाँव से राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे उन्होंने तय किया आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी शुरू से ही पढ़ने लिखने में अच्छी थी। द्रौपदी मुर्मू जी के पिता एवं भाई दोनों ही गांव के विलेज पंचायत के सदस्य थे। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी एक संथल ट्राइब से बिलोंग करती है जो ट्राइब मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के इलाकों में रहते हैं। यह इंडिया के थर्ड बिगेस्ट ट्राइब है। संथल ट्राइब अपनी बहादुरी एवं हिम्मत के लिए जानी जाती है। संथल ट्राइब अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जानी जाती है। यह ट्राइब की पहली ट्राइब थी जिसने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। द्रौपदी मुर्मू जी अपने गांव की पहली महिला थी जो आगे की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर गई थी। भुवनेश्वर में जाकर उन्होंने वहाँ के श्री रामा देवी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। वहाँ पर बीए करने के बाद उनकी जॉब उड़ीसा सरकार के इलेक्ट्रिकल एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क टेलर थे। कुछ दिन काम करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना काम वहां से शिफ्ट कर लिया। अपना जॉब कोर्स छोड़ के एक एज अरबिंदो इंटीग्रल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने नौकरी की और बच्चों को पढ़ाया। कुछ साल टीचिंग करने के बाद 1997 में उन्होंने वहाँ से अपनी सबसे पहले पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू जी ने 1997 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी। 1997 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ी और जीती भी। श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना विवाह रामचरण मुर्मू के साथ किया था जो कि एक बैंकर थे। द्रौपदी मुर्मू जी ने उसके बाद वो एमएलए का भी चुनाव लड़ी और वो जीती भी और 2019 में पूरे इंडिया के बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला था। द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ से अपना राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया और फिर कभी पीछे मुड़ के ना देखी। पर कहते हैं ना दोस्तों, जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। सन 2009 में उनका बड़ा बेटा लक्ष्मण मुर्मू 25 साल की उम्र में अनकॉन्सियस हालत में बिस्तर पर पाया गया और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस हादसे से द्रौपदी मुर्मू जी को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। यह दौर उनके जीवन के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। यह पल उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा था। पर कहते हैं ना दोस्तों, भगवान भी परीक्षा लेता है। इसी हिम्मत वाले पल से उन्होंने अपने आप को संवारा और आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हिम्मत को ना टूटते हुए बल्कि उन्होंने योग और स्पिरिचुअलिटी का पाथ को चुना और वो आगे बढ़ी। इसके साथ उन्होंने ब्रह्म कुमारी नाम की संस्था के साथ जुड़ी भी और उनके साथ काम भी किया। उसके बाद वो आगे बढ़ी जीवन में और डिप्रेशन को मात दे दी। पर कहते हैं ना, जीवन इतना आसान फिर भी नहीं होता। आगे इनके जीवन में और भी मुश्किल परीक्षा आने वाली थी। अभी तो ईश्वर और इनसे परीक्षा लेने वाले थे। और हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में हम सोचे नहीं होते। पर यही वो समय होता है कि जहाँ हम इन हादसों के से टूट कर बिखर जाए या एकजुट होकर सवर के आगे बढ़े। और द्रौपदी मुर्मू जी ने दूसरा रास्ता चुना। वो उन्होंने इनके साथ भी आगे और भी हादसे हो गए। 2014 में शायद इनके खुशियों को और इनके परिवार को किसी की नजर लग गई। इनका दूसरा बेटा भी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इसके बाद इनके माँ और इनके भाई दोनों की एक ही महीने के अंदर में मृत्यु हो गई। इतना परिवार, इनका पूरा परिवार बिखर चुका था। इतने परिवार जनों की मृत्यु एक साथ देखकर आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीता होगा। अभी उनकी एक बेटी है जो एज ए बैंकर काम करती है। इसके बाद अभी ये इन दर्द से उभर ही नहीं थी कि 2015 में इनको दूसरा जीवन का झटका मिल गया। 2015 में इनके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।
उसके बाद पर वो अब तक इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि इतना कुछ होने का वो टूटी है। उन्होंने अपने सारी शक्ति को एकजुट किया और आगे बढ़ी। सन 2015 में ही इन्हें झारखंड की पहली महिला गवर्नमेंट के तौर पर चुना गया। इसके बाद इन्हें अलग अलग मंत्री के पद पर उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार में काम किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने उसके बाद अलग अलग राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को संभाला, जिसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत ही ज्यादा हम्बल एवं जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। इतना था कि उनके पास सन 2009 तक खुद का घर नहीं था। एक बहुत ही मामूली सामान रिहायशी इलाके में है। उनका परिवार आज भी एकदम नॉर्मल जीवन जीता है, जबकि वो कई बार मंत्री और एमएलए तक बन चुकी है। एमएलए बनने के बाद भी आज भी उनका परिवार एक सिंपल साधारण जीवन जीता है। द्रौपदी मुर्मू जी को एक बहुत ही जिद्दी एवं कठोर नेता के रूप में भी देखा जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रबर स्टैम्प बन कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर उनके पिछले राजनीतिक कामों को देखा जाए तो जब उड़ीसा गवर्नमेंट ने एनपीटी और सीपीटी बिल लाया था, जो कि ट्राइबल लोगों के जमीनों के को खतरा था, ऐसा कुछ बिल लाया था जिसे वहाँ की राज्य सरकार ने अपने विधानसभा में पारित करा दिया, पर जब ये गवर्नर थी उन्होंने उसका साइन करने से मना कर दिया। जिसके बाद रघुवर दास जो कि उड़ीसा के सीएम, उन्होंने दिल्ली आकर उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी बनाया कि उसने साइन कर दे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके साथ झारखंड के भी जब हेमंत सोरेन की सरकार ने जब कुछ ट्राइबल लोगों के खिलाफ कुछ ऐसे बिल लाए थे जिससे उनके जमीनों को खतरा था या भविष्य में उनकी जमीन सरकार हथिया सकती थी, इसके खिलाफ भी उन्होंने जमकर आवाज उठाई और उन्हें ऐसे करने से रोका था। हालांकि देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ तक काफी संघर्ष एवं चुनौतीपूर्ण जीवन के बाद पहुंची है। और जब इंसान इतना जीवन में संघर्ष कर लेता है, शायद वो इतना एक दिल बन जाता है कि वह इतना लायक बन जाता है कि वह इस देश के इतने बड़े पद को अच्छे से संभाल पाए। हमारे भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य इनके हाथों में टिका हुआ है। आशा करता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी अपने विवेक और बुद्धि के साथ देश का और भारत के भविष्य को और सुनहरा बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।